पहले तो दाढ़ी ही नहीं आ रही थी, अब दाढ़ी आने लग गई तो एक नई चिंता सताने लग गई कि जो दाढ़ी आई है वो कहीं झड़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बियर्ड ग्रोथ के प्रोडक्ट आते हैं, उनको लगाओ दाढ़ी आने लग जाती है, और फिर जैसे ही आप लगाना छोड़ देते हो वो दाढ़ी फिर से झड़ने लग जाती है, और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट लगाते लगाते भी दाढ़ी झड़ने लग जाती है, तो ऐसा कहीं आपके साथ भी ना हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। पहले इन भाई के रिजल्ट देखिए, इनको गाल पे दाढ़ी नहीं आती थी, गाल पे बाल नहीं आते थे इनके, और अभी ये देखिए 2 महीने के इनके रिजल्ट हैं, 2 महीने के रिजल्ट देखिए आप, इनके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये जितने भी पतले बाल हैं ये पिछले 2 महीने के रिजल्ट हैं इनके। और दाढ़ी जो होती है जब भी आपकी कम समय में आती है जो दाढ़ी, मतलब 2 महीने में 3 महीने में ग्रोथ हुई है, जो नेचुरल दाढ़ी है वो 2 से 3 साल लेती है, जब आप 15 साल के होते हो तब से दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, 17 तक 18 तक बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी दाढ़ी आ जाती है, कुछ की 20 तक आ जाती है, तो वो थोड़ा लंबे पीरियड में आती है, और नेचुरल आती है तो एकदम परमानेंट दाढ़ी होती है, उनमें एक भी बाल झड़ने वाला नहीं होता। दाढ़ी के बाल तो नॉर्मली 30-40 बाल टूटना नॉर्मल बात होती है, जितने टूटते उतने आते भी रहते हैं, वो आपके चेहरे पर कहीं पता भी नहीं चलेगा कि आपके दाढ़ी के बाल टूटते हैं, जो नेचुरली टूटते हैं। और जो ये प्रोडक्ट लगाने के बाद दाढ़ी आती है उसके बाद पूरी झड़ जाती है, तो वो खुद ही दिखाई देने लग जाता है जैसा पहला चेहरा पहले चेहरा होता है, सेम टू सेम वैसे ही चेहरा दोबारा से हो जाता है। तो ये भाई पूछ रहे थे कि भैया मेरी परमानेंट है कि नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो ये टेम्परेरी बियर्ड ही होती है, और अगर आप मिनोक्सीडिल से यूज़ कर रहे हैं तो यही कहना है कि अगर आप सिर्फ मिनोक्सीडिल लगाना चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो थोड़ा लंबे समय तक लगाइए, और जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़िए, एकदम सडनली मत छोड़िएगा, तो धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है। आपके जो गाल पे जो बाल आ रहे हैं, जब तक वो बाल है तब तक उसके झड़ने के चांस होते हैं, अगर वो दाढ़ी में कन्वर्ट हो जाते, दाढ़ी में कन्वर्ट बोले तो इस टाइप के एकदम कड़क बाल हो जाते हैं, तो वो बियर्ड के बाल होते तो वो परमानेंट हो जाते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो शेव करा सकते हो, ट्रिम करा सकते हो, किसी भी तरह से आप सेट करवा सकते हो, दोबारा से आपकी दाढ़ी आ जाती है। और जो पतले बाल होते हैं उनको शेव करोगे तो वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाल होते हैं, क्योंकि मिनोक्सीडिल को अगर आप इस जगह पे लगाओगे, अपने कान पे लगाओगे या अपने सर पे लगाओगे या अपने छाती पे लगाओगे तो बाल वहाँ के भी बड़े करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, वो बाद में झड़ जाते हैं, जब आप लगाना छोड़ोगे तो झड़ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बाल। जैसे आपके चेहरा है उस पर जो दाढ़ी होती है वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो वो बाल सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज वो आम बाल की तरह टूट के गिर जाएंगे, तो इसीलिए अगर आप बियर्ड ग्रोथ कर रहे हैं तो मिनोक्सीडिल तो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसके साथ में बियर्ड सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, ऑयल यूज़ कीजिए, ताकि जो आपके बाल आ गए जैसे इन भाई के पतले बाल आ गए तो वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर लें ताकि वो बाल टूटे ना। और बियर्ड ऑयल आप अपने घर पे भी बना सकते हो, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया, आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हो, थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स कर लीजिए, और अगर आपके घर के अंदर कोई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, आपको फिर उसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप तिल के तेल में कैस्टर ऑयल ओनियन सीड ऑयल मिक्स कर लीजिए, और ये आपका अच्छा बियर्ड ऑयल बन के तैयार हो जाएगा घर पे ही। और हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी दाढ़ी को मॉइस्चराइज कीजिए, रात को सोते वक्त लगाइए, सुबह चेहरे को धो लीजिए, बियर्ड ऑयल बस इतना ही लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ लगाना होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत होता है, जैसे सर के बालों पे लगाते बालों को मजबूत करने के लिए वैसे दाढ़ी के बालों पे लगाया जाता है बालों को मजबूत करने के लिए। और कोई अच्छा सप्लीमेंट ले लीजिए, स्टार्टिंग में ले लीजिए 2 महीने जब आप अपनी बियर्ड ग्रोथ कर रहे हैं, उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, सुपर फास्ट हो जाएगी, और 2 महीने तब ले लीजिए जब आप मिनोक्सीडिल लगाना छोड़ रहे हैं, उस टाइम आप सप्लीमेंट लेंगे तो आपके बालों को एक सहारा रहेगा सप्लीमेंट का, क्योंकि मिनोक्सीडिल से एकाएक जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो होना बंद हो जाता है, तो कई बार बाल सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए एक बार फिर से 2 महीने यूज़ कर लेना चाहिए, जिस टाइम आप मिनोक्सीडिल क्विट कर रहे हो छोड़ रहे हो आप लगाना, उस टाइम मिनोक्सीडिल भी लगा जब आप छोड़ रहे तो आपको सप्लीमेंट यूज़ कर लेनी चाहिए 2 महीने के लिए, कोई अच्छा सप्लीमेंट यूज़ कीजिए जिससे आपकी दाढ़ी परमानेंट हो जाए। और खाली मिनोक्सीडिल के बालों को हम बता दें कोई भरोसा नहीं रहता, आते भी है चले भी जाते हैं।